दोस्तों, अगर आप लोग पेटीएम यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों के साथ जो है फ्रॉड पेटीएम पे कैसे हो सकता है और लोगों के साथ फ्रॉड कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग पेटीएम यूज़ करते हैं या आप लोग कोई दुकानदार हैं और आप लोग क्यू आर कोड से पेटीएम की पेमेंट लेते हैं या आप लोग कैसे भी पेमेंट लेते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। जरूर से आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों के पेटीएम पे कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग 2 से 3 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग के साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, और इस वीडियो को देखने बाद आपको पता चलेगा कि लोग पेटीएम यूजर के साथ और दुकानदार के साथ कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप उन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट में देखा जाए तो सभी जो लोग हैं वो पेटीएम यूज करते हैं, हालांकि आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, यानी कि जितने भी यहाँ पे यूजर हैं उनके सभी के फोन में पेटीएम पड़ा हुआ है। आप लोगों को पता है पेटीएम से आप लोग कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सारा का सारा काम आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग दुकानदार हैं तो आपके साथ कैसे फ्रॉड होगा। गाइस, एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक एप्लीकेशन दी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, उसने एप्लीकेशन के बारे में बताया है। तो वो एप्लीकेशन क्या करती है, वहाँ पे बस आप लोगों को नंबर डालना होता है, नाम डालना होता है, अमाउंट डालना होता है, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका जो है पेमेंट दिखा देता है कि ये पेमेंट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ वो कौन सी एप्लीकेशन है। तो गाइस, यहाँ पे मैं ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन को दिखा दे रहा हूँ, ये मैं एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ओपन करूँगा, तो मैंने इसका जो नाम है वो मैंने हाइड करके रखा है ताकि आप भी कोई इलीगल काम ना कर सकें। तो गाइस, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मुझे किसी को 1000 रुपये की पेमेंट ने भेजनी है, मान लीजिए आपका नाम है, आप कोई दुकानदार है, मुझे भेजना है आपके पास 1000 रुपये आपके नाम से और नंबर से। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका जो है नाम पूछूंगा और नंबर पूछूंगा, ठीक है। और काफ़ी लोग आपको पता है क्यू आर कोड होता है, उस पर जो है नंबर लिखा रहता है और सॉरी नाम लिखा रहता है, तो वो क्या करते हैं जो फ्रॉड करते हैं वो नाम लिख देते हैं ऊपर क्यूआर कोड को डाल के देख के, और इसके बाद फोन नंबर उनसे पूछ लेते हैं। तो मुझे भेजना है यहाँ पे 9690211143, मान लीजिए इस नंबर पे मुझे जो है पेमेंट भेजनी है 1000 रुपये की, तो मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा 1000 रुपये और आपके सामने लाइव यहाँ पे देख सकते हैं ये 1000 रुपये सेंड हो चुके हैं। तो गाइस, ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रही है और इस एप्लीकेशन से काफ़ी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये क्या करती है, ये एप्लीकेशन सिर्फ होम पेज पे दिखा देती है कि ये इस नाम से नंबर से पेमेंट हो चुका है, और ट्रांजैक्शन वगैरह जो फेक आईडी वगैरह है वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कोई भी पेमेंट लेते हैं, आप लोग कोई शॉप है आपकी वहाँ से पेमेंट लेते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को चेक करना होगा उसके पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है। आप लोगों को पेटीएम की अपनी जो पेटीएम आपका खुद का पेटीएम होता है वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है कि आपके पास पेमेंट आई है या नहीं आई है। क्योंकि ये वाली जो एप्लीकेशन है, इसी तरीके की मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं फेक एप्लीकेशन फ्रॉड करने वाली, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे फ्रॉडर वो इन्हीं एप्लीकेशन का यूज़ करके पेमेंट करके दिखा देते हैं लेकिन पेमेंट होता नहीं है, और यहाँ पे ये इस तरीके से एप्लीकेशन फ्रॉड करके वो चले जाते हैं। तो ऐसे मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ जो है यहाँ पे लाखों लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन करके दिखा देता है तो आप लोगों को यहाँ पे एक जो है साउंड बॉक्स लगवाना होगा अपने शॉप पे, और वहाँ पे आपको जो है जैसे ही कोई पेमेंट करेगा वहाँ पे आपको साउंड सुनाई देता है, और जब तक साउंड आपको सुनाई नहीं देता है तब तक आप कस्टमर को जाने मत दीजिएगा। और यहाँ पे साउंड नहीं आता है तो आप लोगों को अपने पेटीएम की हिस्ट्री में जाके चेक करना होगा कि उसका पेमेंट आया है नहीं आया है। आप लोग किसी पे भरोसा मत कीजिए, आप खुद पे भरोसा कीजिए, आप लोग अपने खुद के पेटीएम को जो है ओपन करके वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि आपके पास पैसा आया है नहीं आया है, तभी आप कस्टमर को जाने दीजिए। और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आपको जो है कोई फ्रेंड आपका पेमेंट भेजता है ऑनलाइन और वो कहीं और होता है, जगह होता है, और वो पेमेंट भेजता है आपके पास, तो आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे वो इस तरीके से ऐप से स्क्रीनशॉट भेज देगा और आपको जो है बोल देगा मैंने आपको पेमेंट कर दी है। तो आपको जो है यहाँ पे उसके जो स्क्रीनशॉट पे जो आपको भरोसा नहीं करना है, आपको अपने
अपने फ़ोन में जो है पेटीएम होता है उसमें आप लोग को जाना होगा और पेटीएम पे जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को जाके चेक करना होगा कि आपके जो है पेटीएम में पैसा आया या नहीं आया है। तो गाइज़ ये जो एप्लीकेशन है, इस तरीके की एप्लीकेशन बहुत सारी आ चुकी हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा। और जो काफ़ी लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने देखा है लड़कियाँ भी काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं, वो शॉप पे जाके फ्रॉड कर रही हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग को यहाँ पे ऐसा कोई भी केस आपको जो है मिलता है और कोई भी आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो आप लोगों को पुलिस पर तुरंत ही कंप्लेंट कर देनी होगी। आप लोगों को यहाँ पे साइबर क्राइम में भी ये जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं आप लोग। तो गाइज़ बस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए, अगर आप लोग पेटीएम चलाते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। गाइज़ वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर से एक लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। सो गाइज़ यही फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।